अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या किया। खाना खा के आप बाहर का खाना खाने के लिए तरस गए होंगे ना। ये देखिए, ये बिग बॉस के घर में ये सब मिलेगा। ये कुछ ऐसा होगा, दिस इज एक्चुअली खाने का काम फॉर बिग बॉस। अब जिनको स्पा जाने की आदत है, आपने स्पा जाने का मजा कब लिया था लास्ट? ये देखिए, देखा स्पा भी है। पॉपकॉर्न समोसा खाते खाते थिएटर में फिल्म कब देखी थी आपने? फरवरी मार्च में। ये देखिए, थिएटर भी है बिग बॉस के घर में इस बार। हाउ कूल। और पिछली बार आपने दिल खोलकर शॉपिंग कब की थी? याद नहीं ना? ये देखिए, क्या मॉल है। अब एज अ पार्ट ऑफ आर सालाना रूटीन, अब हम आपके थोड़े से पोज फोटोग्राफ्स लेंगे। तो अब आया है आज की शाम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मोमेंट। हम आपको फ्यूचर की एक झलक देने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू मीट अ कंटेस्टेंट हु यू गोइंग टू वॉच इन द बिग बॉस हाउस दिस सीजन। ये एक सिंगर हैं और इनकी लीनेज ही म्यूजिक की है। इनके फादर ने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए और हमने उनके साथ बहुत सारे शोज भी किए हैं। बहुत ही कमाल के सिंगर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी। सो द सदस्य दैट वी आर अबाउट टू रिवील इज जॉन कुमार शानू। आंखों की गुस्ताखिया माफ हो आँखों की गुस्ताखिया माफ हो। टिक टुक तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे जुबान, तुमसे ये वो कहती है। बहुत अच्छे जॉन कुमार शानू, बहुत अच्छे यार। जॉन, मुझे बताओ, आपकी हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने शो तो देखा ही होगा और मैं आपके फादर को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अनलेस ये एक आपका अलग साइड है और बिग बॉस के अंदर एक आप अलग साइड दिखाओगे। सो ऑनेस्टली बिग बॉस से ज्यादा नर्वस आई एम बिकॉज
आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट मैं आपको मिल रहा हूँ सर. एक्चुअली माई फुल बॉडी इज शेकिंग बिकॉज आई हैव बिन योर फैन सिंस बिफोर लाइक आई गॉट टू नो लाइक एनी थिंग दैट माई डैड हैज डन विथ यू माई वर्क लाइक माई डैड हैज वर्क विथ यू एंड जो आपका प्रेजेंस है सर उसके कारण मैं थोड़ा सा यू नो आई एम जस्ट अ बिट डेज्ड. यू डोंट वरी अबाउट मी जान, यू डोंट वरी अबाउट मी, यू वरी अबाउट द कंटेस्टेंट्स इनसाइड. नहीं सर, कंटेस्टेंट्स को सर मैं संभाल लूंगा सर. अच्छा, बहुत अच्छा. बिकॉज सर मैं बहुत टाइम से ये शो देखते आ रहा हूँ, सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम वेरी हैप्पी कि आप घर में जा रहे हो. रोना नहीं घर में जाके कि डैडी की याद आ रही है. नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं. और यहाँ से अभी से थोड़ा सा डाइट वाइट कम करना शुरू कर दो, थोड़े से टास्क वास करना शुरू कर दो घर के अंदर ही. बिस्तर के नीचे घुस जाओ, चार दिन तक निकलो नहीं. ओके सर. और घर से बाहर निकलना नहीं भाई, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जाने से पहले आपको कहीं आइसोलेशन में जाना नहीं पड़े. जी सर. बी वेरी केयरफुल बिकॉज योर फादर इज ऑल्सो एट होम, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. बहुत संभल के रहना भाई, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं अब ऑलमोस्ट मैं भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. ये तुम्हारी जो एक इनोसेंट जो स्माइल है वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुमको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. जी तो सर. मैं तो मैं एक एक्स कंटेस्टेंट को ये ड्यूटी सौंप रहा हूँ कि आपको कुछ टिप्स दें. और ये है द विनर ऑफ सीजन 13 यानी कि 13 सिद्धार्थ शुक्ला. आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं. Hey John, what's up my man? How are you doing? All good bro. Very excited for Big Boss. How about you? Me, I'm excited to see all of y'all and getting excited in anticipation, hoping what you guys are going to do. वैसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये आपको पता है इस घर में टिप्स देना था मुझे आपको कुछ, तो इस घर में रहने के लिए मैं आपको सिर्फ ये टिप्स दे सकता हूँ कि इस घर में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को डील करना आपको आना चाहिए. तो आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं? I think so, yes, I'm up for it. हाँ? I am up for it. I think I can. Great, great, great. And the only thing that I like to tell you is that, you know, you just need to be yourself, be real, and, you know, stand your ground and stand for anything that you feel is right. You need to voice yourself. Absolutely. Absolutely. Okay, now that you look so confident, let me get you into some situations here and let's see how you react to them. All right. तो समझिए कि अगर घर में किसी लड़की ने आप पर चाय फेंक दी तो आप क्या करेंगे? So, because I'm a singer, I would like to respond in a very musical manner. मैं बहुत ही musically उसका एक reply करूंगा और उसके लिए मेरे पास एक गाना ये होगा, एक गरम चाय की प्याली हो कोई मुझ पे गिराने वाली हो. एंड अगर वो चाय मेरे ऊपर सुबह के टाइम पे फेंके तो बेटर होगा बिकॉज फिर मुझे जागने में दिक्कत नहीं होगी. सो आई थिंक दैट विल बी माय रिस्पांस टू द गर्ल बिकॉज दोनों अगर हम लोग झगड़ा करें गरम हो जाएगी ना तो बात बनेगी नहीं. अगर वो एकदम गुस्से में है तो फिर मैं मैटर को ठंडा करके फिर उसको बाद में समझाऊंगा. एंड इफ शी डज नॉट यू नो देन लाइक यू नो इफ शी डज नॉट अंडरस्टैंड देन आई विल हैव टू टेक द Sid approach, which I'm a Sid approach. Yes. Okay. So like a prototype to me, yeah, no? Absolutely. No. I'm trying to like take a lot of pointers because you've really, really inspired and like, you know, you've shown us how actually Big Boss is supposed to be played. So Hale, I think I'm going to try to, you know, do that. Then you're definitely not going to be singing. You possibly might just make people sing. Yeah. That's going to be a good change for me since I have to sing wherever I go to make people right. Sing will be a good change. Right. Okay, I'll put you in another situation. Agar samjhe ki aapko
लगातार लोग पोक करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? As रजनीकांत famously said कि भेड़िये हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, शेर अकेले चलता है. तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहां पर मुझे ऐसी नौबत आई कि मुझे कंटिन्यूसली पोक किया जा रहा है एंड यू नो मुझे उकसाया जा रहा है, तो एक हद तक तो मैं ठीक है, ट्राई करूंगा मैटर को सुलझाने की. बट जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो मेरे भी जवाब होंगे और शायद मेरे जवाब उनको पसंद ना हो. बट आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो इज अबाउट, सो आई एम गुड अप फॉर इट. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. तो शेर बाहर निकलेगा मतलब? बिल्कुल बिल्कुल. फैंटास्टिक, वेल डन जान कुमार. ये सब सुनने के बाद तो मैं बस आपको एक ही चीज कह सकता हूं, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर इट्स गोना बी फन वाचिंग यू. इन दिनों जो प्रोमोज आ रहे हैं कलर्स टीवी पर, उन्होंने सबको एकदम क्यूरियस कर दिया है एग्जैक्टली होने क्या वाला है. ये एक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं, गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, ये एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं? लोग क्यूरियस होके मुझे फ्यूरियस कर रहे हैं. Because they're calling me up to find out what's happening. और कलर्स वालों से मैं पूछ नहीं रहा हूँ और वो मुझे बता भी नहीं रहे, तो डायरेक्टली हम इन तीनों से ही पता कर लेते हैं. Let me make them join this party. Hina, Gohar and Siddharth. Hi. Hello, sir. Hi, Salman. How are you? अरे वाह, यू गाइस आर लुकिंग बेटर एंड बेटर. हाय गौहर, हिना, सिद्धार्थ. तो सबसे पहले और फ्रैंकली कौन बताएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस? बिग बॉस 14 में अब आप लोगों का क्या काम है? हमारा बहुत सारा काम है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट काम है. बट काम क्या है? फॉर नाउ स्टे काम एंड वेट फॉर आवर काम. और चलिए आप बताइए हमें, अभी आप प्रोमो में आए हो, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हो, अब क्या वापस से घर के अंदर भी जाओगी? आएंगे या नहीं आएंगे इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि सबर का फल जरूर मीठा होगा. एंड एनीवे इट्स पेबैक टाइम, क्योंकि आज तक आपने हमें हमेशा सस्पेंस में रखा है. सो नाउ इट्स योर टर्न. नॉर्मली मैं वीकेंड का वार करता हूँ, लेकिन कमाल हो गया कि आप लोग आज मुझ पर सस्पेंस का वार कर रहे हो. तो ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस किसी और शहर में होम क्वारंटीन हो गए हैं और यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और आप लोग टेक ओवर कर रहे हो? सलमान सर, तो सीजन का नाम बिग बॉस 14 है, तो जाहिर सी बात है कि बिग बॉस तो अपनी जगह पर सलामत होंगे, लेकिन अब हम आए हैं तो जरूर कुछ तूफान तो लाएंगे. That's right. पहले हफ्तों में बहुत खलबली और बहुत सनसनी होने वाली है. जी हाँ, 100% entertainment की 100% guarantee हम तीनों दे सकते हैं. क्योंकि इस बार पहले हफ्तों में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ. आई मीन आज तक इन दी हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस. क्या आप लोग कंटेस्टेंट बनकर कमबैक कर रहे हो ताकि इस टाइम के कंटेस्टेंट्स को आप टफ फाइट दे सको? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. थैंक यू, आप लोगों ने कुछ ना बताते हुए कुछ ना बताया. अब तो आपने सबको और भी सस्पेंस में डाल दिया है. All you have to do is wait till 3rd of October. बहुत मजा आने वाला है. October 3rd. तो ऑडियंसेस जो आज देख रहे हैं बिग बॉस के फैंस, अक्टूबर 3rd को आपको पता चल जाएगा कि सेठ, हिना और गौहर क्या करने वाले हैं. सो हिना, गौहर और सिद्धार्थ होने वाले हैं बिग बॉस 14 का एक अहम हिस्सा. कैसे? वो थोड़ा सा सस्पेंस है. 3rd अक्टूबर रात 9 बजे एंड वीकडे यानी कि मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 PM Only, सिर्फ कलर्स पर और टीवी से पहले एक्सक्लूसिवली ऑन रूट सेलेक्ट.